HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड के थ्रू अगर आपने ज्यादा स्पेंड किया है, ज्यादा पैसों को खर्च किया है और आप उन पैसों को एक साथ में पे नहीं कर सकते हैं, तो रिलैक्स गाइस, आपको यहाँ पे चिंता करने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड पर स्मार्ट EMI की फैसिलिटी अवेलेबल होती है। स्मार्ट EMI फैसिलिटी में होता क्या है गाइस, जो भी आपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू स्पेंड किया है, जितने पैसों को आपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू खर्च किया है, चाहे वो ऑफलाइन हो या फिर ऑनलाइन हो, उन पैसों को आप EMI में कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट 1 लाख रुपए है और आपने 80,000 रुपीज को क्रेडिट कार्ड के थ्रू स्पेंड कर लिया है, खर्च कर लिया है, और आप उस अमाउंट को एक साथ में पे नहीं कर सकते, तो आपको यहाँ पे स्मार्ट EMI का ऑप्शन ले लेना चाहिए। इस ऑप्शन के जरिए आप EMI में आसानी से अपने अमाउंट को पे कर सकते हैं। हालांकि आपको यहाँ पे कुछ इंटरेस्ट रेट लगेगी, कितनी इंटरेस्ट रेट लगेगी वो मैं आपको वीडियो में बताता हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। सबसे पहले आपको अपनी HDFC नेट बैंकिंग को लॉगिन करना है, और जैसे ही आप नेट बैंकिंग को लॉगिन करेंगे, आपके सामने होम इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो गाइस, वीडियो में आप देख सकते हैं ऑफर फॉर यू, यहाँ पर एक SMS शो हो रहा है ऑफर का, और यहाँ पर क्रेडिट कार्ड बिल लिखा हुआ है ट्राई स्मार्ट EMI। तो यहाँ पर हमारे पास में नया क्रेडिट कार्ड था, इससे पहले हमारे पास में स्मार्ट EMI की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे हमने क्रेडिट कार्ड को यूज किया, स्पेंड किया, खर्च किया, तो हमारे पास में यहाँ पे बैंक की तरफ से स्मार्ट EMI की फैसिलिटी ऑन हो चुकी है। और यहाँ पे जो भी मैं अमाउंट को अगर EMI में कन्वर्ट करता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास से 0 प्रोसेसिंग फी ली जाएगी। हो सकता है आप जब स्मार्ट EMI में कन्वर्ट करें तो आपको यहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग फीस भी देनी हो, लेकिन आपको अगर ऑफर होगा तो आपकी यहाँ पे 0 प्रोसेसिंग फीस लगेगी। गाइस, आपके सामने दो ऑप्शंस रहते हैं, अगर आपके पास में ऑफर है तो यहाँ पर आपको ट्राई स्मार्ट EMI पर क्लिक करना है, इसके थ्रू भी आप विजिट कर सकते हैं, या फिर आपको क्रेडिट कार्ड वाले सेक्शन पर विजिट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ट्रांजेक्ट पर क्लिक करना है। ट्रांजेक्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर थर्ड नंबर पर आपको स्मार्ट EMI का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे ही आप स्मार्ट EMI वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने अपना क्रेडिट कार्ड नंबर शो हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको अपना क्रेडिट कार्ड नंबर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ट्रांजेक्ट पर बहुत रहने देना है। तो जैसे ही आप व्यू पर क्लिक करेंगे, आपने जो भी अपने क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन किया है वो आपके सामने शो हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जितना भी बड़ा बड़ा आपने अमाउंट को स्पेंड किया है, उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जिसके सामने ये बॉक्स वाला निशान है, उस पर आपको यहाँ पे टिक कर लेना है। राइट करने के बाद आपको यहाँ पे कंफर्म पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप कंफर्म पर क्लिक करेंगे, आपके सामने स्मार्ट EMI का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपके सामने आपका क्रेडिट कार्ड नंबर, एलिजिबल आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट शो हो जाएगी। उसके बाद जो भी आपका लोन अमाउंट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब आपको यहाँ पे टेनर और इंटरेस्ट रेट को सिलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों, वीडियो में आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 मंथ का ऑप्शन है, 12 मंथ का है, 24 मंथ का है, 36 मंथ का है और 48 मंथ का टेनर है हमारे पास में। और जो भी इंटरेस्ट रेट है वो यहाँ पे 15% से लेके 19% तक अवेलेबल है। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल के लिए 12 मंथ का सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, मुझे यहाँ पे 3,208 रुपए की EMI हर मंथ पे करनी होगी। उसके बाद यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना होता है। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, आपके क्रेडिट कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, उस पर एक OTP जाएगा, उसको आपको यहाँ पे एंटर करना है। जैसे ही आप OTP एंटर करके सबमिट करेंगे, तो आपका सक्सेसफुली जो लोन अमाउंट है, जो भी आपने क्रेडिट कार्ड से स्पेंड किया है, वो लोन अमाउंट क्रिएटेड हो जाएगा। और जो भी ये आप लोन प्रोसेस करेंगे क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट जो आपने स्पेंड किया है, ये प्रोसेस होने में 48 आवर लग सकते हैं, तो आपको यहाँ पे वेट करना होगा। दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट बात और आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का स्पेंडेड बैलेंस है उसको EMI में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आपको अपना जो भी स्टेटमेंट डेट है, जब आपका बिल जनरेट होता है,
उस डेट से आपको यहाँ पे 3 दिन पहले ही आपका जो लोन है वो क्रिएट कर लेना है। बिल जनरेट होने के बाद में आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। आई होप अंडरस्टैंड योर HDFC स्मार्ट EMI। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ में और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।